जो फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट है, आप सुनिए, हमने क्या करना है कि एक तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है यहां पर, उसमें हमने डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेने, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो खर्चे जो माल को खरीदने से रिलेटेड हो, माल को प्रेजेंट लोकेशन में लाने से रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, ठीक है। तो इन सबको हमने यहाँ डेबिट करना है, सेल्स को क्रेडिट करना है, बचा हुआ जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको भी क्रेडिट करना है, और एक तरह से ये क्लोजिंग एंट्री हो रही है। ट्रेडिंग अकाउंट में इन सबको लिखने से कौन सी एंट्री होने लग रही है? क्लोजिंग एंट्री हो रही है। यदि हम ट्रेडिंग अकाउंट के, और ट्रेडिंग इज अ लेजर, ट्रेडिंग अकाउंट एक लेजर है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये एक लेजर है, ये आपने ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट एक लेजर है। तो बाय सेल्स हो रहा है, सेल्स रिटर्न माइनस करके लिख रहे हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक हो रहा है, तो एंट्री बन रही है क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, एक एंट्री बन रही है सेल्स टू ट्रेडिंग, और एक एंट्री बन रही है ट्रेडिंग टू सेल्स रिटर्न, और इधर एंट्री बन रही है ट्रेडिंग टू ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग टू परचेजेस, ट्रेडिंग टू वेजेस, ट्रेडिंग टू वेजेस एंड सैलरी, ट्रेडिंग टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग टू कैरेज वगैरह, ये सब गैस फ्यूल पावर, ये मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे, इनको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डायरेक्ट बोला गया। इनको क्या बोला गया? डायरेक्ट, डायरेक्ट, वी कॉल देम डायरेक्ट। इन सबको डेबिट करने के बाद क्रेडिट में से जो डेबिट आता है उसको हम बैलेंसिंग फिगर को ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, मगर मगर ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री होती है ट्रेडिंग टू पीएनएल, तो हम इसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं और पीएल के क्रेडिट में। तो हमारी एक एंट्री हो जाएगी ट्रेडिंग डेबिट टू व्हाट? टू पीएल, ठीक है ये। तो इसके बाद यहां पर टू पीएल आ जाएगा और पीएल में आ जाएगा बाय व्हाट? बाय ट्रेडिंग। अब जो इनकम है जिसपे हम बोलते हैं नॉमिनल का सेकेंड रूल लगता है, इनकम या प्रॉफिट, जैसे रेंट रिसीव्ड, सुनो ध्यान से, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड, सब किधर आएंगे? क्रेडिट में। एक तरह से पीएल अकाउंट के क्रेडिट में जब आप ये सब आइटम लिखोगे तो इवेंचुअली ये सारे लेजर्स बंद हो रहे हैं। एंट्री हो रही है कमीशन टू पीएल, इंटरेस्ट टू पीएल, डिविडेंड टू पीएल, बैड डेट्स रिकवर्ड टू पीएल, अप्रेंटिस प्रीमियम टू पीएल, प्रॉफिट ऑन सेल टू पीएल, ऐसे सब पीएल में क्रेडिट हो रहा है। और जो सारे खर्चे हैं अदर देन दोज जो ट्रेडिंग में आए, वो सारे खर्चे कहां आ जाने हैं? वो सारे खर्चे बच्चों हमारे आ जाएंगे, फिर आता है ये सारे खर्चे हमको ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे। तो ये सारे खर्चे हमने उठा के, बहुत ही लंबी लिस्ट है इस परफॉर्मा में, कहां डाल दिए? पीएल में। और सारे खर्चे एंट्री बन गई पीएल डेबिट टू ऑल एक्सपेंसेस वन बाय वन। तो एक तरह से इनका लेजर बंद हो रहा। मान लीजिए ये सैलरीज है, ये देखिए ये सैलरीज है, ये सैलरीज में हमने लिखा होगा टू कैश, सपोज कोई भी फिगर 40, और हमने यहां लिख दिया बाय पीएल 40, तो पीएल में लिख दिया टू सैलरी 40। तो ये पीएल अकाउंट है ना, इस लेजर में क्या लिखा? टू सैलरीज अकाउंट। तो क्या एंट्री बनी? एंट्री बनी पीएल डेबिट। तो इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं, एक एंट्री के नाम से बुलाते हैं, क्या? क्लोजिंग एंट्री। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम नॉमिनल अकाउंट को कभी भी बैलेंस कैरेट डाउन नहीं करते। नॉमिनल अकाउंट गोज वेयर? पीएल और ट्रेडिंग। ट्रेडिंग भी पीएल ही होता है, उसी का ही छोटा भाई है, तो पीएल में ही जाता है वो, ठीक है। अब आता है यहां पर, जब हम ये बन जाता है तो हम लोग लिखते हैं टू नेट प्रॉफिट, लेकिन गलत है, यहां होना चाहिए टू कैपिटल, क्योंकि नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? वेयर डज इट गो? कैपिटल में। एंट्री होती है क्या? कैपिटल डेबिट जी, कैपिटल डेबिट, नो, पीएनएल डेबिट टू कैपिटल, ये एंट्री होती है नेट प्रॉफिट की, जो हमने कभी सुनी भी नहीं है। हम लोग तो बस ये सोचते हैं कि भैया ये तो ऐसी हो रहा है, बस कुछ भी इसको वहां डालना है, ऐसा नहीं होता है। इसकी जो एंट्री होती है वो ये होती है पीएल डेबिट टू क्या? कैपिटल। ये किसकी एंट्री है? एंट्री फॉर
नेट प्रॉफिट, समझे? और ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री होती है ट्रेडिंग टू पीएल, ये ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री ट्रेडिंग टू पीएल, समझे? ये ग्रॉस प्रॉफिट की एंट्री। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल है प्लस हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग। अगर जो आप इसको सही से समझिए तो बच्चों सही से समझने में आप पाएंगे कि ये कैपिटल अकाउंट बन रहा है जो पार्टनरशिप में बनाते थे। क्या लिखते हैं यहां? बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो प्लस हो रहा है वो क्या है? प्रॉफिट। और इनकम टैक्स जो लेस हो रहा है वो क्या है? ड्रॉइंग्स। देन व्हाट? इनकम टैक्स। फिर यहां पर आता है क्या? और फिर यहां क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और फिर आता है बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये प्लस माइनस कर रहे हैं, मेरी नजरों में ये क्या बना रहे हैं? प्लस माइनस करके लेजर बना रहे हैं। क्योंकि मुझे, मैं प्लस माइनस मैं भी कर देता हूं लेकिन मेरे माइंड में डेबिट और क्रेडिट और लेजर की टी शेप चलती है, ठीक है? ये मैं परफॉर्मा अभी दूंगा। अब आगे देखिए, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट बच्चों क्या बोलते हैं? एक रूल बना रखा है वन ऑपरेटिंग साइकिल वाला, लेकिन उसको बोलचाल में बोलते हैं 12 months। प्रैक्टिकल भाषा में बोलते हैं जी 12 महीने में जो कैश से रियलाइज हो जाए वो क्या है? करंट एसेट्स। और जिसे 12 मंथ्स के अंदर देना पड़े वो करंट लायबिलिटी है। ये बच्चों हमारी एडजस्टमेंट्स इसके बाद आती हैं। अब ये तो हो गया परफॉर्मा, अब आता है एडजस्टमेंट्स क्या है, जो आपसे मैंने शेयर करी थी कि एडजस्टमेंट्स क्या होती है वो आप सुन लीजिए। ओमिटेड ट्रांजेक्शन, जैसे एग्जाम्पल डेप टू बी चार्ज्ड, हैविंग मेड ट्रायल बैलेंस, किसके बाद? ट्रायल बैलेंस के बाद क्या कर रहे हैं हम? डेप चार्ज कर रहे हैं। क्या एंट्री बनेगी? डेप टू मशीन। और इसका डुअल इफेक्ट आएगा क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, एक कौन से अकाउंट को अफेक्ट करेगा और दूसरा किसको? तो मशीन कम हो जाएगी और डेप पीएल में चला जाएगा। आप सोचना सीखिए ना, मैं आपको बार बार एक चीज बोलता हूं, जैसे आप इंग्लिश सोच के बोलते हैं मैं अकाउंट सोच के करता हूं। जैसे इंग्लिश वही बोल पाता है जो लैंग्वेज और टेंसेस सीख जाए, समझ रहे हो आप? एंट्री भी वही कर पाता है जो डेबिट और क्रेडिट सीख जाए। कितना रटेगा कोई? कोई कितना रटेगा भाई? संभव ही नहीं है। तो क्यों क्यों ना हम इसको समझें कि यार ये क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो बस आप एडजस्टमेंट को हवा मत मानिए ना, आप ये मानिए कि एडजस्टमेंट जो है दो दो कैटेगरी है। जैसे उसने बोला आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो इधर से एक चीज आपको लगातार सोचनी है, वो एक चीज क्या है? अक्रूअल बेसिस, चाहे खर्चा हो चाहे इनकम हो, कितने मंथ्स की लेनी है? 12 मंथ्स की लेनी है। यदि वो बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो आप जानते हैं इसको लिए बगैर प्रॉफिट सही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन है बच्चों, प्रॉफिट इसलिए सही नहीं आएगा क्योंकि आपने प्रॉफिट पूरा लिया ही नहीं, खर्चा लिया ही नहीं पूरा, छोड़ दिया। बिना डेप्रिसिएशन के प्रॉफिट कैसे ठीक आ जाएगा? आएगा ही नहीं वो कभी ठीक। तो आपको खर्चे को कितने मंथ्स का लेना है? 12 का नहीं है और वो अक्रूड हो गया, फिर हम अक्रूअल बेसिस मानते हैं। खर्चा पेड होना जरूरी नहीं है, खर्चा इनकर्ड हो जाना चाहिए। खर्चा पेड हो ये कोई बात नहीं हो रही है, खर्चा क्या हो जाए? इनकर्ड हो गया, रिकॉर्ड कर लो। पूरी क्रेडिट सेल्स को आप क्यों रिकॉर्ड करते हैं? अभी तो एक रुपया भी नहीं मिला आपको, आप क्रेडिट सेल्स को क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये तो मिली नहीं अभी आपको, तो अभी आप क्या लिख दे रहे हैं? डेटर्स टू सेल्स।
क्या लिख दे रहे हैं आप, डेटर्स टू सेल्स, तो क्रेडिट है ना, लेकिन कौन से बेसिस को फॉलो कर रहे हैं आप, परवाह नहीं कर रहे हैं कि डेटर्स ने पैसे दिए या नहीं दिए, आप तो लिख दे रहे हैं उसको, तो इसी को ही क्या बोला जाता है। जब ये बात सेल्स में लागू हो सकती है तो खर्चों में क्यों नहीं, बिल्कुल लागू हो सकती है, तो खर्चों को भी रिकॉर्ड करो वेदर पेड और नॉट पेड, और सेल्स को भी रिकॉर्ड करो वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, और परचेज को भी रिकॉर्ड करो वेदर पेड और, ये करना पड़ेगा हमको, इस पे ध्यान देना आपने कि भैया ये अक्रूवल बेसिस है, इसके चक्कर में कोई भी ट्रांजेक्शन जो ऑमिटेड है वो क्या होगी, रिकॉर्ड होगी, और यदि रॉन्गली रिकॉर्डेड है और वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कुछ ऐसी गलती होने जा रही है कि आप कह रहे ओ हो ये क्या कर दिया, ऐसे कोई होना था एंट्री, ऐसे कोई होनी थी, इसको ये इसकी जगह ये क्यों कह दिया तुमने, जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया था कि रिपेयर्स को रिपेयर्स टू मशीनरी डेबिटेड टू मशीन, रिपेयर्स टू मशीन को क्या किया मशीन में क्यों डेबिट कर दिया, रिपेयर्स तो नॉमिनल अकाउंट है, रैकरिंग नेचर है, आए दिन हमारे यहां रिपेयर्स होती रहती है, अभी भी बाहर हो रही होगी, कभी पंखा खराब होगा, इतने डिवाइसेस लगेंगे एक जगह पे और ऑफिस होगा तो सामान तो खराब होगा ही और रिपेयर वाले भी आएंगे, तो वो रैकरिंग नेचर है, तो वो तो रैकरिंग नेचर है, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो जब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वैसे ही एंट्री होगी ना कि एक्सपेंडिचर टू कैश, आपने उसको असेट में जोड़ दिया, तो वो गलती हो गई, तो उस गलती को वो क्या कहते हैं, सुधारो, कैसे सुधारें, असेट को डेबिट कर दिया है तो आप असेट्स को क्या करिए, क्रेडिट कर दो, और किसको डेबिट कर दो, रिपेयर्स को डेबिट कर दो, अब ये भी एडजस्टमेंट है, अब ये रिपेयर्स कहां जाएगी पीएल में, और ये असेट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और उस माइनस की हुई असेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो एडजस्टमेंट दो कैटेगरी में आती है, या तो कोई चीज नॉट रिकॉर्डेड होती है या क्या होता है वो रॉन्गली रिकॉर्डेड होती है, और जितनी मर्जी एडजस्टमेंट हो आप रेक्टिफिकेशन वाली लॉजिक लगाइए, एंट्री बनाइए उसकी, तो गलत होएगा ही नहीं। अब हम रटने लग रहे हैं कि यार 15 एडजस्टमेंट होती है, सर एडजस्टमेंट तो 150 हो सकती है, 15 ही क्यों होंगी, गलतियां छुटी हुई गलतियां तो 150 भी हो सकती हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना बस 15 ही एडजस्टमेंट होती हैं, बहुत होती हैं, आउटस्टैंडिंग होती है, एक अक्रूड होती है, एडवांस होती है, प्रीपेड होती है, डेप्रिसिएशन होता है, कुछ लोग ऐसे गिनने लगते हैं, सर एडजस्टमेंट तो कुछ भी हो सकती है। एडजस्टमेंट को मैंने कल एक बात और भी बताई थी, वाइल्ड कार्ड एंट्री, नॉर्मली जो हमारा अकाउंटिंग साइकिल है वो कहता है पहले जर्नल एंट्री लो, फिर वो बोलता है कि आप लेजर बनाओ, फिर वो बोलता है ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर ट्रेडिंग बनाने के लिए बोलता है, फिर पीएल और फिर बैलेंस शीट, एकदम से हम एडजस्टमेंट को सीधी एंट्री यहां देते हैं या यहां देते हैं या यहां देते हैं, किसके बगैर, इसलिए मैंने ये वर्ड ऐसे ही एक टीवी गेम शो से ले लिया था, क्या जो आपने खुद ही मतलब बताया था कि वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब है नियम तोड़कर बीच में घुस जाना और एंट्री लेना। मैंने बोला भी था कल कि मान लो कोई एक टीवी प्रोग्राम शो है और उसमें डांसर्स शुरू से ऑडिशन दे के आ रहे हैं और वो मल्लिका शेरावत को सीधा बीच में एंट्री दे दें ट्रेडिंग या पीएनएल में। देखो नैनवाल एकदम ऐसे खुश हो गया जैसे ही मैंने मल्लिका शेरावत बोला, एकदम दांत दिखने लगे। जी तो ये जो बच्चों मैं समझा रहा था आपको, तो यहां पर एडजस्टमेंट को हम लोग ऐसे बोल देते हैं कि वाइल्ड कार्ड एंट्री है ये हमारी, ठीक है। अब जो हम आगे सोच रहे हैं इसके आगे बढ़ने की, एक तो होता है कि जी हमें डायरेक्ट एक तो होता है कि हमें डायरेक्ट ट्रेडिंग पे एंडल बनाना कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, मगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ज्यादातर तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं, तो हमें उन एडजस्टमेंट को सोच सोच के करना है कि एंट्री क्या बनेगी और इसका डबल इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, और प्लस जो हमको क्वेश्चन आता है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह का क्वेश्चन फाइनल अकाउंट में हमको आता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसमें बच्चों क्या होता है कि एक ट्रायल बैलेंस बना होता है और वो क्वेश्चन हमको आता है
ये देखिए, जैसे अब ये ट्रायल बैलेंस एक बना है ये, तो हमको इस ट्रायल बैलेंस को बोलते हैं कि फाइनल अकाउंट बना के बताओ, आप कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, कंपनी का P&L निकालो और बैलेंस शीट बनाओ। तो हमको पहचान होनी चाहिए कि कौन कौन से आइटम इसमें नॉमिनल है और वो ट्रेडिंग में क्या क्या आएगा और PL में क्या आएगा, और वो भी हम बता चुके हैं कि जो ट्रेडिंग और P&L में आएगा वो लेजर में जाकर ख़त्म हो रहा है। और ये बात मैं फिर याद दिलाने के लिए एक बार याद दिला रहा हूँ कि सपोज़ कीजिए हम लोग यहाँ पर, सपोज़ हमने यहाँ पर सैलरी अकाउंट बनाया ये, और यहाँ हमने लिखा टू कैश, ये बात मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, तो ये इसको खुला छोड़ देना है, ऐसी ओपन मतलब क्लोज नहीं करना, बैलेंस कैरेट डाउन नहीं लिखना, क्योंकि हम जानते हैं नेचर से क्या है नॉमिनल है। तो इस ये अपने आप ही कहाँ जाएगा, PL में जाएगा ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। तो इट हैज टू गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वंस यू हैव मेड द ट्रायल बैलेंस एंड देन यू आर प्रोसीडिंग फर्दर टुवर्ड्स द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, तो अब PL के डेबिट में आ जाता है हमारे पास टू सैलरी। तो ये क्लोजिंग एंट्री हमको हर वक्त याद रहनी चाहिए कि हम ये एंट्री करते हैं, ऐसी वी मेक दिस एंट्री एंड वी हैव टू मेक। ठीक है, तो अब इस परफॉर्मा को देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है तो मैं आपको बताने लग रहा हूँ, ये जो सेल्स है ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगी, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस हो जाती है एक तरह से, वो भी ट्रेडिंग के क्रेडिट में आती है, ये PL के क्रेडिट में आएगी, मगर ये जो क्रेडिटर्स है, जो ये क्रेडिटर्स है, ये नॉमिनल, ये पर्सनल अकाउंट है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये लायबिलिटी में चला जाएगा। बिल्स पेबल पर्सनल अकाउंट है, ये भी क्रेडिटर्स का ही साथ का है, तो ये भी लायबिलिटी में जाएगा। कैपिटल प्रोपराइटर की कैपिटल है, सेपरेट एंटिटी है, इसलिए कैपिटल भी लायबिलिटी में जाएगा, भले ही हम इसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हो, मगर है ये लायबिलिटी। एक बार इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि द प्रोपराइटर ब्रॉट इन द मनी एंड ही सॉ दैट हिज नेम इज एग्जिस्टिंग टू लायबिलिटी साइड, ही वॉज अमेज्ड कि मेरे को, मैं तो मालिक हूं, मुझे क्यों लायबिलिटी में ले रहे हो। तो उसका जवाब था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट था ये, उसको ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाया गया था एग्जाम में कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि प्रोपराइटर को ही किधर ले रहे हैं, लायबिलिटी में ले रहे हैं, जबकि वो लायबिलिटी का है, वो तो मालिक है उस बिजनेस का। लेकिन यहां पर ये जो बुक्स है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बिजनेस की बुक्स है और प्रोपराइटर को हमें लायबिलिटी में ही लेना होता है, बिकॉज जो प्रोपराइटर है वो बिजनेस को मनी लेंड करता है, इसलिए एंट्री होती है कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट होता है, तो रूल लगता है असेट प्लस डेबिट, लायबिलिटी प्लस क्रेडिट, तो लायबिलिटी में जाएगा। फिर ओपनिंग स्टॉक जो है साल के पहले दिन किससे मैच करता है, परचेज और ओपनिंग स्टॉक एक ही चीज है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। क्लोजिंग स्टॉक आखिरी दिन असेट्स है, मगर अगले साल के पहले दिन उसको क्या मान लिया जाता है, खर्चा परचेज के जैसा मान लिया जाता है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा, इसलिए उसको यहाँ डेबिट करते हैं, मतलब खर्चा कन्वर्ट कर देते हैं। अब सर देखिए एक और चीज है, मान लीजिए आपने डिबेंचर्स लिए, सपोज बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन को आप एक साल बाद पे करेंगे या 10 साल बाद पे करेंगे, तो 9 साल तक तो आप उसे बोल सकते हो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, 10वें साल क्या बोलोगे उसको, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी है, क्योंकि हम बोलेंगे अचानक क्या हो गया यार, तुम तो उसको फिक्स लायबिलिटी बोलते थे, तो बोल रहा है यार अब वो ईयर आ गया है जब मुझे क्या करना है, इसको रीपे करना है, तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसको कन्वर्जन कन्वर्ट कर दिया, किसमें, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से किसमें। तो ये लॉजिक मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है साल के आखिरी दिन तो एसेट्स होता है, मगर अगले साल के पहले दिन वो ट्रेडिंग में चला जाता है और किसके जैसा बन जाता है, परचेज के जैसा। और सेल्स रिटर्न सेल्स में से हम माइनस करते हैं, ऑल्दो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ट्रेडिंग के डेबिट में आता है। कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, तो ये PL में जाएगा, ये ट्रेडिंग में चला जाएगा। और मैं चेक कर रहा हूँ ट्रेडिंग की कोई आइटम और होगी, तो लाइटिंग फैक्ट्री ये कहाँ चला जाएगा, ट्रेडिंग में चला जाएगा। तो और स्टॉक है, इसकी एंट्री होगी स्टॉक 24 ही लेने वाले हम, रिलाइजेबल ज्यादा है, तो इसमें रूल होता है ये या ये, जो भी कम हो। स्टॉक में रूल क्या है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट, विच एवर इज लेस, तो ये 24 लेंगे। एंट्री हो जाएगी स्टॉक टू ट्रेडिंग या स्टॉक टू परचेजेस। वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरी टू, ये भी ओमिटेड है, ये भी ओमिटेड है, ये रॉन्गली रिकॉर्डेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस रॉन्गली रिकॉर्डेड है। कैसे, ये ऐसे रॉन्गली रिकॉर्डेड है बच्चों कि खर्चे में जुड़ गया और असेट्स है, सर अगले वर्ष से रिलेटेड है, पे इसी साल कर दिया और किसमें जुड़ा हुआ है,
इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ व्हाट एक्सपेंडिचर विच इज रॉन्ग, क्योंकि यदि हम देखिए जैसे हम लोग इस तरह का लेते हैं कि ये 12 महीने हैं, ये क्या है 12 महीने है, 12 मंथ्स है, यदि कोई खर्चा यहां तक पे कर देंगे आगे तक, ये आगे तक पे कर देंगे तो क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, एडवांस है तो वो क्या हो गया, एसेट्स है तो प्रीपेड हो गया ना, तो आपने उसको एंट्री कर दी एक्सपेंस टू कैश। और किसी ने बोला यार आपने 15,000 एक्सपेंस में डाल दिया मगर इसमें 3,000 तो प्रीपेड था, तो आप क्या बोलेंगे कि यार अब मैं करेक्टिंग एंट्री कर देता हूं, तो आप करेक्टिंग एंट्री क्या करने वाले हैं, आप इसकी करेक्टिंग एंट्री करने वाले हैं, तो आपने एंट्री कर दी ए प्लस एक्सपेंस, ये प्रीपेड एक्सपेंस किधर चला जाएगा। इस असेट और लायबिलिटी के रूल का एक फायदा मुझको यह भी लगता है कि असेट और लायबिलिटी खुद बता देता है उसे बैलेंस शीट में कहां जाना है, यदि असेट प्लस हो रहा है तो असेट्स में जाएगा और लायबिलिटी प्लस हो रहा है तो कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, और एक्सपेंस कम हो जाएगा और बचा हुआ एक्सपेंस पीएल में चला जाएगा। अब जैसे ये एक्सपेंस 15 है और यहां आपने 3 ले लिया, तो जब आप एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे उसका लेजर बनाएंगे तो यहां 15 लिखेंगे, यहां क्या लिखेंगे, तो पीएल में कितना डालेंगे 12, तो अपने आप अक्रूअल बेसिस हो गया। ऐसे बच्चों आपको क्वेश्चन को डील करना है, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, एडजस्टमेंट्स को। अब जैसे ये डेप्रिसिएशन बनाना है, लगाना है किस पे, प्लांट पे और किस पे, मशीन पे और फर्नीचर पे, तो ये ऑमिटेड है, ये रॉन्गली रिकॉर्डेड है, ये भी स्किप्ड ट्रांजेक्शन है, ये भी स्किप्ड है, ये भी स्किप्ड है, तो 5 एडजस्टमेंट दिया है उन्होंने जिसमें एक ट्रांजेक्शन रॉन्गली रिकॉर्डेड है और 4 क्या है ऑमिटेड है या स्किप्ड है, छूट गई है, लेफ्ट ओवर, उनको इनकॉर्पोरेट करना है। फिर सवाल आता है इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो क्या होगा, हम बोलेंगे एक जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है अक्रूअल बेसिस, वो वायलेशन हो जाएगा और वो अकाउंटिंग कोई भी उसको अप्रूव्ड बेटर अकाउंटिंग नहीं मानेगा, क्योंकि आप उसमें अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन को अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो इसलिए अकाउंटिंग को जो हमको ठीक मानना होता है तो तब हमको ये परफॉर्मेंस फॉलो करने पड़ते हैं जो अब हम आपको सिखाने लग रहे हैं। तो ये बच्चों हमारा बैलेंस शीट का है, यहाँ कैपिटल है और कभी कभी रिजर्व अलग शो करते हैं और कभी किसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि रिजर्व पर भी किसका हक है, प्रोप्राइटर का। फिर फिक्स लाइबिलिटी है लॉन्ग टर्म लोन, और करंट लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, सड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम। और इधर है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर, ये लूज टूल्स को लेके मुझे डाउट है, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, इसका मुझे डाउट हो रहा है, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, मेरे ख्याल से नीचे आना चाहिए। मोटर व्हीकल्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, गुडविल। गुडविल और पेटेंट को हम लोग बोलते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बीआर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेयर और अक्रूड, ये फिर हमारी दोनों साइड मैच कर जाती है, ठीक है, ये हमको बच्चों इसमें करना होता है।